वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं हो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज एक पाकिस्तानी लड़की है, उसने विजिट किया है इंडिया में, माई फर्स्ट विजिट टू इंडिया, ठीक है। ये वीडियो का टाइटल है क्योंकि उसने पहला विजिट किया तो उसने अपने जज्बात बताए हैं कि इंडिया में क्या है और क्या सीन्स नहीं है। तो ये आज मिलकर रिएक्ट करेंगे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलके देखते हैं जल्दी से वीडियो, फिर आपको मिलके देखते हैं क्या तासव्वुरात है ना, पता भी चलेगा क्या है लड़की ने उधर क्या देखा है। वही तो, चल 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इंडिया विजिट किया है? हाँ जी बिल्कुल। इंडिया में किधर आप गई हैं? हम लोग श्रीनगर जम्मू कश्मीर गए। जम्मू कश्मीर तो इंडिया का पार्ट है। एक्सपीरियंस रहा इंडिया का? इंडिया के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस था, वहाँ पे हर चीज बहुत सस्ती है। अगर देखा जाए, मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने 50 रुपीज का वहाँ पे वोडाफोन वालों का जो उनके सिम है वो मैंने 50 रुपीज का बैलेंस कराया। मैं वहाँ पे 40 डेज रही थी और वो अभी तक मेरे मोबाइल में 25। रोज इंटरनेट यूज करती थी, रोज फेसबुक यूज करती थी, इंस्टाग्राम यूज करती थी और ला तादाद कॉल वो प्लान करती है और स्टिल मेरे पास 25 रुपीज थे जब मैं इंडिया से वापस। मतलब 25 रुपए में 40 दिन पाया, मतलब विजिट के दौरान इंडियंस को हमने इस तरह का पाया कि दे आर लाइक, वहाँ पे गुर्बत की रेशो भी थोड़ी ज़्यादा है हम पाकिस्तान के हिसाब से, इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे वो लोग देते हैं मौके, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन आपको अच्छी मिलेगी। अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। कि आपको हर बंदा जो है वो अप टू डेट और उनकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, उनकी हर चीज़ अच्छी है। आप जब भी देखेंगे ना जो भी चीज़ उनकी एजुकेशन, आप किसी आम से बंदे से बात करेंगे ना वो आपको पता चलेगा ये पढ़ा लिखा बंदा है, क्योंकि वहाँ पे वो ये मौके ज़्यादा देते हैं। वो हर चीज़ को आप किसी ठेले पर खड़े हो जाए आपको 70 रुपीज का VIP बर्गर मिलेगा, लाइक 70 रुपीज का मशरूम्स होंगे, ये होगा और उनके इंटरनेट पैकेजेस अच्छी, उनकी एजुकेशन भी सस्ती है, वो पढ़ने के मौके देते हैं हमें। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे पूछूंगा कि बीइंग हमारे यहाँ पे बहुत महंगी है, हाई लेवल की तालीम, डेफिनेटली करना चाहिए। हम लोग सोशल एनिमल है बेसिकली। एक सोसाइटी जो है ना वो सोशली कनेक्टेड हुए बगैर नहीं रह सकती। अगर हम किसी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो इन रिटर्न हमें भी उसके कोई ना कोई अच्छे, वो कहते हैं ना, मिलती हैं चीज़ें अच्छी, उनकी पॉजिटिविटी भी हमें मिलती है। हमें उनके साथ वॉर कभी भी किसी भी चीज़ को फ़ायदा नहीं देती है बेसिकली। अब देखा जाए जिस तरह की सिचुएशन आजकल चल रही है तो हर चीज जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही की जाती है। इंटरनेट के थ्रू आप हर चीज करते हो, अब अपनी जॉब्स कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो कहते हैं ना पड़ेगा पाकिस्तान तभी तो बढ़ेगा। तो अगर हमारे यहाँ पे इंटरनेट के रेट्स को भी कम कर दिया जाएगा एज पर इंडिया, क्योंकि मैं खुद वहाँ विजिट करके आई हूँ, अगर मैं वहाँ 50 रुपीज का बैलेंस भी कराती हूँ ना तो वो मेरा पूरा मंथ चल जाता है। मैं चाहे उसमें जितना मर्जी इंटरनेट यूज करूँ, उसके पैकेजेस इतने सस्ते हैं। तो अगर यहाँ पे भी इस तरह जी हर चीज में बहुत ज्यादा उन्होंने किया, और अगर यहाँ पे भी इंटरनेट के पैकेजेस कम कर दिए जाएंगे और इसमें एटलीस्ट टैक्स नहीं काटा जाएगा तो हमारी यूथ को सबसे ज्यादा बेनिफिट है, हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम इस तरह घर बैठे ही बहुत सारे मसले जो है वो सॉल्व कर लिया करेंगे, और हमारी यूथ भी बहुत ज्यादा इससे फायदेमंद होगी, वो पढ़ भी लेगी और अपना काम भी कर लेगी और फ्रीलांसिंग कर लेगी, और इस तरह हमारी ही पाकिस्तान को बहुत ही तरक्की के मौके फराहम कर दिए जाएंगे। क्योंकि ये चीजें हमारी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है हमारी सोसाइटी में कि हमें मोहब्बत की बहुत जरूरत है। जो चीज नेगेटिव है वो तो है नेगेटिव, लेकिन अगर आप मोहब्बत पे लाएंगे तो ये बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मेरा यही कहना है कि स्प्रेड लव एंड स्टॉप वॉर एंड नेगेटिविटी। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोल गई है यार बंदी, सही बोला है एकदम, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब आते हैं रिव्यू पे। पापा जी देखा इंडिया कितना सस्ता है हर चीज के लिहाज से। यार इसने तो बोला है तो मुझे पता चला है कि उधर तो ये आईटी टेक्नोलॉजी जो है ये क्या नाम है इसका पैकेजेस बहुत सस्ते हैं पापा जी। यहाँ पे तो बंदा 200 में कराए तो पता ही नहीं लगता। इधर आप पैकेज लगाए ना 300 रुपए का हफ्ते का, हमारा सिर्फ इंटरनेट का लगता है और फिर कॉल्स वगैरह का 150-200 रुपए का, वो तो 500 रुपए। पता चलता है कि बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं पापा जी। देखिए वो क्या आप कह रही है बंदी, मैं गई हूँ और मतलब 50 रुपए का लोड मैंने कराया बस, और 40 दिन वहाँ पे रही और उसके बाद भी 25 रुपए का मेरे पास बैलेंस है। लगाए दादा
फिर सस्ते। वो कह रही मैंने इंटरनेट सही यूज किया है, काले भी मैंने बहुत से किए हैं। असल मसला है जाए वजाहत गेंडिया की हुकूमत इस चीज पे आईटी पे बहुत तवज्जो देती है, आईटी पे भी देती है और ये सिम और इंटरनेट वगैरह और फैसिलिटीज भी बहुत देती है। इससे क्या है कि यूथ को फायदा होता है, तालिबों को फायदा होता है और जो मामलात हैं उससे ज्यादा फायदा इंटरनेट के जरिए उठा रहे हैं उधर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, फैसिलिटी दे रही है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा पापा फैसिलिटीज दे रही है। क्योंकि मसला ऐसा है कि हर चीज इंटरनेट पे है, हर चीज आप जिस चीज को उठाए इंटरनेट पे हर चीज है। वो सबसे पैकेज तब दे रहे हैं कि उनको पता है कि इंडिया को ये लोग बहुत ज्यादा आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारे पास तब ज्यादा है, महंगे हैं ना, इधर कंपनियां लूट रही हैं, लूट रही है पापा। और मजे की बात आप वहाँ पे लोग पता है कि लोग इंटरनेट पे भी बड़ा काम करते हैं, बिल्कुल सारी तालीम हासिल कर रहे हैं इस पे, बिल्कुल इंटरनेट के जरिए हर तालीम है, बिल्कुल बैंकों का निजाम और कारखानों का निजाम जितना निजाम है ऑनलाइन है। और आपको पता है मजे की फैक्ट बात बताऊं क्या चीज है, इंडिया में ना इंडिया के जो बैंकों के सॉफ्टवेयर है ना वो पाकिस्तान यूज करता है, लगाएं दादा आप, उनके सॉफ्टवेयर पाकिस्तान अपने बैंकों में यूज करता है, इंडिया के सॉफ्टवेयर जो है। हमें तो कंपनियां लूट गई है ना इधर, हुकूमत इनको कहती कुछ है नहीं, ये क्या करें, बिल्कुल हुकूमत जब दबाव डालेगी कंपनियों पे तब ये सस्ते रेट करेंगे, सस्ते करेंगे। और पापा टैक्स भी नहीं काटना चाहिए, अब देखे इंडिया में टैक्स कोई नहीं है, नहीं है इन चीजों पे, तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ, लेकिन यार इतने सस्ते पैकेज। और उसने भी बोला कि मैं वहाँ से घूम के आया, इस तरह लग रहा था सारा एक ही जैसा, अंदाजा लगाया ना हमसे इंडिया कितना आगे एजुकेशन में, वो बता रहे एजुकेशन कितनी होता। आप अगर आम ठेले से भी कोई बंदा उठाते हैं तो वो भी पढ़ा लिखा है, वो भी उसे भी बात करो तो यूं लगता है कि उसने पढ़ाई की हुई है। लोग जो यंग जनरेशन अपडेट लगती है, अप टू डेट लगती है, क्यों लगती है कि हुकूमत तवज्जो दे रही है, तालीम पे तवज्जो दे रही है, तालीम भी सस्ती है, इंटरनेट भी, इंटरनेट तब है ना कि उधर तालीम आम है, बिल्कुल। और पापा वहाँ पे तालीम मतलब कि महंगी भी है, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी और वो महंगी तरीन है, लेकिन ये है कि जो छोटा तबका जो गरीब लोग है ना उनके लिए भी तालीम है, कमाल है। उनका एक और निजाम है ना, निसाब भी एक है, अगर जिधर गरीब आदमी पढ़ सकता है ना उधर वजीर आजम का बेटा पढ़ेगा, एक निजाम है तालीम में पूरी इंडिया में, बिल्कुल ये है, इसमें कोई शक नहीं। तो यार आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, आप हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।